आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। मधुपुर शहर के महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में आज मधुपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार मले के द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर विद्यालय की छात्राओं के साथ संवाद का कार्यक्रम संपन्न किया गया। वहीं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य शिवनाथ झा ने मंचासीन अधिकारियों का परिचय कराया। विद्यालय के सचिव सरोज कुमार मिश्रा ने पुष्प गुच्छ देकर अतिथि मनोज कुमार मलिक का स्वागत किया। अपने संवाद में थाना प्रभारी ने छात्राओं को बताया कि संघर्ष के माध्यम से ही किसी भी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। परिश्रम के महत्व को उन्होंने अपने जीवन से जोड़कर कहा कि वह भी सामान्य ग्रामीण परिवार से जुड़े थे और परिश्रम के बल पर इस स्थान तक पहुंचे हैं। उन्होंने आगे बताया कि महिलाएं और बच्चियां तभी सशक्त होंगी जब वे अपने अधिकार को जानेंगी और उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। जीवन में कभी संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने सोशल मीडिया के युवाओं द्वारा अनावश्यक प्रयोग पर चिंता जताई और इससे दूर रहने की भी सलाह दी। वर्किंग लेडी या अर्निंग लेडी का आज समाज में बड़ा महत्व है जो कि परिश्रम और लक्ष्य निर्धारण से ही संभव होगा। इसीलिए उन्होंने छात्राओं को सलाह दी है कि परिश्रम और संघर्ष को ही मूल मंत्र बनाएं। कार्यक्रम में वीरेंद्र कुमार शाही, इंदु बाला, आचार्य, शिक्षिका समेत छात्राएं मौजूद थी। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।